तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि सुबह 5 बजे मैं यहाँ पहुँचा और 7 बजे का चेक इन टाइम था, लेकिन 5:30 बजे मैं यहाँ आ गया और रिक्वेस्ट की तो उन्होंने चेक इन करा दिया था सुबह 5:30 बजे। तो ये है हॉस्टल का कुछ एंट्री गेट और इस वीडियो में आपको इस हॉस्टल का ही टूर देने वाला हूँ। तो आते हैं अंदर। तो अंदर आते ही इधर से एक ये ब्लॉक मिलेगा और एक ब्लॉक ये मिलेगा, दो ब्लॉक बने हैं इस हॉस्टल में। तो ये है इधर से कुछ हॉस्टल, इधर फूल वूल लगे हैं बहुत सारे, इधर कुछ लोग हैं यहाँ के। नमस्ते। हिंदी आती है आप लोगों को? नेपाली। नेपाली आती है? अच्छा, तो थोड़ी सी हरियाली मिलेगी इधर इस तरह से। और जो है आज अभी सुबह बारिश हो रही थी और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही अलग है। सुबह धूप निकलती है, फिर अभी दोपहर में बारिश होना शुरू हो जाएगी और शाम को काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। ये एक अपने आप में एक माइक्रो क्लाइमेटिक जगह है पोखरा। इधर कुछ मक्के की खेती हो रखी है इस तरफ से और इधर पीछे से कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। और यहाँ से जो आपको टॉप से व्यू मिलेगा, चलिए मैं आपको रूप से दिखाता हूँ, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो अभी ऊपर चलता हूँ मैं आपको और यहाँ से दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर। और उधर जो आपको दिख रहे हैं वो फेवा लेक है जो हार्ट ऑफ पोखरा है। पोखरा इसी की वजह से जाना जाता है। जिस तरह से इंडिया में नैनीताल है, सिमिलर वैसे ही पोखरा है नेपाल में। नैनीताल भी केवल नैनी लेक की वजह से मोस्ट फेमस है, उसी तरह फेवा लेक इसको बोलते हैं और फेवा लेक की वजह से पोखरा फेमस है। सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन यही है फेवा लेक। और यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, एकदम लेक साइड व्यू मिला है इस हॉस्टल से। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ नहीं दिखाता हूँ, अगर आपने लीची के पेड़ कभी नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लगा है और इसमें फल भी लगे हैं। ये देखिए, ये रहा लीची का पेड़, ये कुछ इस तरह से इसमें फल लगे हैं अभी। ये देख सकते हैं, पहली बार मैं खुद ही देख रहा हूँ। और ये जो पीछे माउंटेन्स हैं, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ एक भैया मिले थे मुझे, अगर अभी शाम को आएंगे वो तो मैं आपसे मिलाऊंगा उनको। तो कर्नाटका के हैं वो, सिद्धार्थ भैया। तो वो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते हैं और पिछले 1 महीने से यहाँ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो गोवा में पैराग्लाइडिंग करवाते भी हैं लेकिन यहाँ आके खुद कर रहे हैं। मैंने पूछा कि यहाँ आप नहीं करवाते, तो उन्होंने बताया कि यहाँ केवल नेपाली लोग ही पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ करने आते हैं सिर्फ। क्योंकि मॉनसून का टाइम चल रहा है तो इस समय इंडिया में पैराग्लाइडिंग बंद हो चुकी है। और ये पोखरा ऐसी जगह है, यहाँ पर आपको साल भर पैराग्लाइडिंग होती मिलेगी। यहाँ की क्लाइमेट ही ऐसी है कि बारिश होगी उसके बाद धूप निकल आती है, तो इसलिए उतनी दिक्कत नहीं होती। वो जो सामने आपको पॉइंट दिख रहा है एकदम टॉप वाला, वहाँ से पैराग्लाइडिंग अभी 11 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी और बहुत सारे आपको पैराशूट छोड़ते हुए मिलेंगे उधर। और उन भैया से मैं मिलाऊंगा आपको शाम को आएंगे, अभी वो अपना बैग वैग लेके पैराशूट निकल गए हैं। तो ये कुछ है यहाँ का हॉस्टल और इस तरह से कुछ डॉर्मेट्री बनी हुई है। ये 4-बेडेड डॉर्मेट्री है, इसमें मैं नहीं हूँ, आगे हूँ। इसी तरह हर रूम में 4-बेडेड डॉर्मेट्री बनी हुई है। इधर भी है, इसके बाद एक ये, उसके बाद इधर भी है। ये यहाँ का रिसेप्शन है, यहाँ से आके आपको चेक इन करना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर वाईफाई मिल जाएगा, वाईफाई का इधर पासवर्ड भी लिखा। और साथ ही साथ ये जो मुझे मिला है ये इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, कितने का मिला है वो लास्ट में बता दूंगा। लॉन्ड्री सर्विस भी है यहाँ पे, पर केजी 150 रुपीज़, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो 200 पर केजी पड़ेगा। और इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, अगर ट्रेकिंग करना है तो यहाँ से ये ट्रेकिंग रूट का पूरा मैप मिल जाएगा। और इधर आते हैं तो ये रहा मेरा रूम जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, ये है ऐसा कुछ। और ये भी 4-बेडेड है, इधर भी लोअर अपर और इधर भी लोअर अपर। तो ये वाला मेरा है, इसी पे मैं स्टे कर रहा हूँ, ये बॉटल पड़ी है जो। और इधर एक भैया हैं तो वो स्टे कर रहे हैं। इधर जो है लाइट जलाता हूँ तो शायद दिख, ये तो इस तरह से है कुछ। ये है इधर का वॉशरूम, इस तरह से कुछ, बहुत क्लीन है। और यहाँ पर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों हैं, तो चाहे ठंडी में हो या गर्मी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आएंगे तो इधर कॉमन एरिया मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रेकफास्ट और
लोगों के साथ आप गपशप कर सकते हैं। ये भैया ओनर है यहाँ के, क्या नाम है आपका? चिरन नाम है। वी डू नॉट हैव वाईफाई, टॉक टू ईच अदर, तो ये बढ़िया चीज़ है इधर। और कॉमन एरिया 11 PM पे क्लोज हो जाता है। और इधर किचन भी है, तो ये है कुछ किचन इस तरह से। यहाँ आप कुछ बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, बाकी यहाँ से ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो अभी इस समय मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। यहाँ बना था लेकिन ऑमलेट बना था, तो वो मेरे किसी काम का था नहीं, तो इसीलिए बिस्किट से अभी काम चला रहा हूँ। तो ये हॉस्टल मैंने 2 दिनों के लिए बुक किया था, और ये जो मुझे पड़ा था $6 का पड़ा था 2 दिन के लिए विद ब्रेकफास्ट। तो $6 यानी कि अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 470 रुपये के लिए 2 दिन के लिए विद ब्रेकफास्ट, तो काफ़ी सही रेट मिला था मुझे। और यही था इस हॉस्टल टूर के बारे में। तो आपके शायद किसी काम आ जाएगी ये वीडियो अगर आप नेपाल आ रहे हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।